अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो अपडेट मिलती रहे। तो आज हम चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस स्टार्ट करते हैं अब हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको यहाँ पर होम्योस्टेसिस दिखाया दे रहा है। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या है? होम्यो मतलब सेम, स्टेट कहते हैं, स्टेटिस कहते हैं स्टेट को। बराबरी रखना किसी भी फंक्शन में, अपनी बॉडी का फंक्शन हो या बाहर का फंक्शन हो। तो उसमें जैसे अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको सामने एक वेट मशीन दिखाई दे रही है, तराजू दिखाई दे रहा है। तराजू में क्या होता है कि हम तवाज़न रखते हैं दो वज़न के दरमियान। किसी भी दो चीज़ों के दरमियान अगर हमने बराबरी रखनी हो तो वो हमारे लिए, हमें वो क्या कहलाएगा? होम्योस्टेसिस। इसी तरह से एनिमल्स के दरमियान भी होम्योस्टेसिस होता है। अब यहाँ पे देखें होम्योस्टेसिस क्या है। होम्योस्टेसिस में डिफाइन एज द मेंटेनेंस ऑफ एन इंटरनल कंडीशन ऑफ बॉडी इक्विलिब्रियम डिस्पाइट चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब होम्योस्टेसिस क्या है? होम्योस्टेसिस मेंटेनेंस है, अपने आप के अपने जिस्म को मेंटेन करना, इंटरनल कंडीशन, अपने जिस्म के अंदर की कंडीशन को मेंटेन रखना। बेशक बाहर का कंडीशन जो है, बाहर का एनवायरनमेंट जो है, वो जितना भी चेंज होता रहे। अब अगर हमारी बॉडी के टेम्परेचर भी बाहर के टेम्परेचर की तरह चेंज होता रहे तो वो हमारे लिए नुकसानदेह होगा। अगर हमारी बॉडी के अंदर जो कुछ भी है, हमारा जो जिस तरह से भी हमारा पूरा मैकेनिज्म चल रहा है, उसके अंदर अगर चेंजेस आती रहेंगी तो फिर वही चेंजेस हमारे बाहर के मौसम के हिसाब से, बाहर के एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंजेस होंगी और वो अच्छी नहीं है। तो अब आगे देखेंगे। फॉर एग्जांपल दी कोर टेम्परेचर, गहरा टेम्परेचर तो होगा ऑफ द ह्यूमन बॉडी रिमेन एट अबाउट 37 डिस्पाइट फ्लक्चुएशन इन दी सराउंडिंग एयर टेम्परेचर। हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है, अंदर बॉडी का टेम्परेचर है, जैसे हम देखें एब्डोमेन में टेम्परेचर जो है, जहाँ पर हमारे सारे बॉडी ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, लंग्स हैं, लीवर है, स्टमक है, किडनी है, ये सब हमारे एब्डोमेन में है। इस हिस्से में हमारे चेस्ट हिस्से से लेकर एब्डोमेन तक हमारे ये ऑर्गन्स हैं। यहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो 37 डिग्री रहता है, यहाँ से चेंज नहीं होता। हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा 37 डिग्री ही रहता है। बेशक बाहर का टेम्परेचर जितना मर्जी लो हो जाए, जितना मर्जी बढ़ जाए, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर रिमेन वहीं पर सेम रहता है। सिमिलरली दी ब्लड ग्लूकोज लेवल रिमेन अबाउट 1 ग्राम पर लीटर डिस्पाइट ईटिंग अ मेल रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। हम जितना मर्जी कार्बोहाइड्रेट्स खाते रहें, हम जितनी मर्जी कार्बोहाइड्रेट्स की इनटेक करते रहें, लेकिन जो ग्लूकोज का लेवल है हमारी बॉडी के अंदर वो कितना रहेगा? 1 ग्राम पर लीटर। 1 ग्राम 1 लीटर के ऊपर 1 ग्राम ही रहेगा, वो उससे ज़्यादा नहीं होगा। वो कौन कंट्रोल करा है? होम्योस्टेसिस जो हमारी बॉडी के अंदर हो रही है। नेक्स्ट है, बॉडी सेल नीड द इंटरनल एनवायरनमेंट इन विच कंडीशन डू नॉट चेंज मच। जो बॉडी के सेल हैं उनका इंटरनल एनवायरनमेंट जो है, उनकी उसकी कंडीशन चेंज नहीं होती। बेशक बाहर की जो कंडीशन है वो जैसी मर्जी हो जाए, स्टेबल इंटरनल कंडीशन आर इम्पोर्टेंट फॉर द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम। इंजाइम हमने पढ़ा है कि इंजाइम क्या काम करते हैं। आपको कुछ ना कुछ तो इंजाइम के बारे में पता होगा कि हमारा जो प्रोसेस है, हमारे जिस्म के अंदर जो भी फंक्शनिंग हो रही है, वो इतनी जल्दी जल्दी हो रही है कि हमारा ब्रेन इतनी जल्दी काम कर रहा है, हमारी बॉडी के फंक्शंस इतनी जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं, वो सब इतनी जल्दी किस तरह से काम कर रहे हैं? वो इंजाइम की मदद से काम कर रहे हैं। तो फिर वो ये सब स्टेबल किस तरह से रहता है? अगर हमारा इंटरनल कंडीशन ही स्टेबल नहीं रहेगी तो फिर हमारी जो बॉडी है वो किस तरह से स्टेबल रहेगी? फिर हमारे इंजाइम स्टेबल कंडीशन में ही वर्क करेंगे, वैसे काम नहीं करेंगे। हमने अभी पढ़ा था कि अगर हमारी जो बॉडी के अंदर का टेम्परेचर है वो स्टेबल रहता है, 37 डिग्री तक रहता है, लेकिन अगर बाहर जितनी मर्जी रेडिएशंस और जितनी मर्जी सन की रेडिएशंस हो, हमारा बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होता। अगर वहाँ पे सन रेडिएशंस ना हो, कोल्ड क्लाइमेट हो, फिर भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर बाहर अंदर से चेंज नहीं होता। जैसे आपको आगे डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि ऊपर से सोलर रेडिएशन है, हीट स्ट्रेस है, हॉट एयर टेम्परेचर है, हाई रेलिवेंट ह्यूमिडिटी है, मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन है, ग्राउंड हीट है, सारी हीट भी हमारी बॉडी के ऊपर आ रही है, लेकिन हम साथ साथ हीट को लॉस करते जा रहे हैं। रेस्पिरेशन वेपोरेशन हो रही है, हमारा स्वेट वेपोरेशन पसीने के जरिए से वेपोरेशन हो रही है, रेडिएशन फ्रॉम बॉडी, रेडिएशन भाप निकल, जैसे हम देखते हैं जब कभी हम लोग गर्मी में ज़्यादा देर बैठे रहें या फिर हम गर्मी में बहुत तेज़ सख्त काम करें तो हमारी बॉडी में से ऐसे लगता है जैसे रेज निकल रही हैं। तो वो रेज क्या करती है? हमारी बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करती है। कन्वर्जन विद द विंड करंट, वो विंड के जरिए, हवा के जरिए भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर ठीक हो रहा होता है। ये सारी मेंटेनेंस है, ये सारी होम्योस्टेसिस है।
आगे चलते हैं हम प्रोसेस ऑफ होमियोस्टेसिस, होमियोस्टेसिस का प्रोसेस है वो होता किस तरह से है, किस तरह से होमियोस्टेसिस होती है, ये किस तरह काम करती है। सबसे फर्स्ट पे हमारे जो प्रोसेसेस हैं, तीन प्रोसेसेस हैं यहाँ पर हमारी बॉडी के अंदर होमियोस्टेसिस के लिए। सबसे पहले ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन क्या है? इट इज़ अ मेंटेनेंस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर एंड साल्ट इन दी बॉडी फ्लूइड। बॉडी का जो फ्लूइड है, बॉडी के फ्लूइड में वाटर है, ब्लड है, प्लाज्मा है, जो भी चीज़ें हैं उसके अंदर जो है अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर की मिकदार और साल्ट की मिकदार, हमारी बॉडी में हमें पता है कि वाटर भी प्रेजेंट होता है और साल्ट भी प्रेजेंट होते हैं, उनकी मिकदार को मेंटेन करने को हम क्या कह देते हैं? ऑस्मोरेगुलेशन। बॉडी फ्लूइड्स कौन कौन से होते हैं? ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड्स। ब्लड के और टिश्यूज़ के फ्लूइड जो होते हैं वो हमारे बॉडी फ्लूइड होते हैं, उनके अंदर पानी की मिकदार को और साल्ट की मिकदार को बराबर रखने को हम क्या कह देते हैं? ऑस्मोरेगुलेशन। वी नाउ दैट द रेलेवेंट द रिलेटिव अमाउंट ऑफ वाटर एंड साल्ट इन बॉडी फ्लूइड एंड इन साइड सेल कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। अब हमारे पास डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है और ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है। इनमें होता क्या है कि जो पानी का बहाव है वो ज़्यादा कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की जाएगा और डिफ्यूजन में लो ऑस्मोसिस में लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ आएगा। ये फ़्लो है वाटर का, यही फ़्लो जो है वाटर का या सॉल्ट्स का वो हमारी बॉडी के अमाउंट को बराबर रखने में हमारी मदद करता है। जो हमारे फंक्शनिंग के हमारे मतलब जो असेंशियल हमारे ज़रूरी फंक्शंस हैं बॉडी के सेल्स के उनको करने में हमारी मदद करता है। जैसे यहाँ पर देखें कि ऑस्मोरेगुलेशन होती किस तरह से है, यहाँ पर तीन एनवायरनमेंट्स दिए गए हैं, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक। फर्स्ट पे है हमारे पास हाइपरटोनिक, मतलब जिसमें क्वांटिटी ज़्यादा होगी वाटर की और साल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, पानी वहाँ से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। और आइसोटोनिक हो, आइसो मीन्स बराबर, बराबर होगा तो बराबर होगा तो वो बराबर ही रहेगी, पानी भी उतना ही अंदर आएगा जितना बाहर जाएगा और साल्ट भी उतना ही अंदर आएगा जितना बाहर जाएगा। इसी तरह से हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक में क्या होगा कि अंदर वाली जगह पर पानी कम हो जाएगा तो वहाँ बाहर से जो है वो अंदर की तरफ आना शुरू हो जाएगा। ये कंडीशंस हैं जिसकी वजह से हमारे बॉडी का जो वाटर एंड साल्ट का मेंटेनेंस है वो हम उसे बराबर रख सकते हैं। सेकेंड प्रोसेस है थर्मोरेगुलेशन। थर्मो मीन्स टेम्परेचर, रेगुलेशन मीन रेगुलेट करना, बराबर रखना, उसे मतवाजन रखना, इक्विलिब्रियम की हालत में रखना। दी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन। बॉडी के अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन करना उसे हम क्या कह देते हैं? थर्मोरेगुलेशन। दी एंजाइम ऑफ बॉडी वर्क बेस्ट एट पार्टिकुलर टेम्परेचर। जो इंजाइम्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर वो तभी बहुत अच्छे से काम करते हैं जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल ठीक होता है, जितना उन्हें चाहिए होता है, ना ज़्यादा कम होता है ना बहुत ज़्यादा होता है। उस टेम्परेचर को हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर मीन्स वो टेम्परेचर जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है, जिसके ऊपर हमारे इंजाइम्स जो हैं वो वर्क करते हैं। एनी चेंज इन बॉडी टेम्परेचर में इफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ इंजाइम। कोई भी चेंज आएगा अगर हमारी बॉडी के टेम्परेचर के अंदर, अगर वो कोल्ड क्लाइमेट है और वो अगर हल्का हो जाएगा, बॉडी का टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा, कम हो जाएगा, तब भी हमारे इंजाइम काम नहीं करेंगे। और अगर बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तब भी हमारे इंजाइम वर्कआउट नहीं करेंगे। उनके लिए उन्हें किस तरह का टेम्परेचर चाहिए? ऑप्टिमम टेम्परेचर। थर्मोरेगुलेशन अगर आप देखें कि एनिमल्स में किस तरह से होती है, थर्मोरेगुलेशन में तक उन्हें जिस तरह से हीट मिल रही है, जैसे सन के ज़रिए उन्हें हीट मिल रही है, कंडक्शन के ज़रिए उन्हें हीट मिल रही है, तो वो हीट को बाहर भी निकाल रहे हैं एवेपोरेशन के ज़रिए, रेडिएशंस के ज़रिए, कन्वेक्शन के ज़रिए। ये उनकी थर्मोरेगुलेशन है, अपने बॉडी के अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन करना थर्मोरेगुलेशन कहलाता है। आगे जो थर्ड प्रोसेस है वो उसे कहते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मीन्स बाहर निकाल देना, खारिज कर देना। एक्सक्रीशन इज आल्सो प्रोसेस ऑफ होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस का ये एक प्रोसेस है, उसे हम कहते हैं एक्सक्रीशन। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के अंदर द मेटाबॉलिक वेस्ट आर एलिमिनेट फ्रॉम द बॉडी टू मेंटेन द इंटरनल कंडीशन एट इक्विलिब्रियम। इसमें क्या होता है, जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं आर एलिमिनेट, एलिमिनेट कहते हैं बाहर निकाल देना फ्रॉम दी बॉडी, बॉडी में से, मेंटेन दी इंटरनल कंडीशन, अंदर की कंडीशन को मेंटेन रखने के लिए। अब हमें पता है जब हम लोग कोई भी खाना खाते हैं या कोई भी ऐसी इंटेक करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन की, उसमें जितने भी हमारी एनर्जी होती है वो हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे पास बाय प्रोडक्ट बचता है, हमारे पास जो वेस्ट बचता है, जो वेस्ट होता है वो हमने अपनी बॉडी से एलिमिनेट तो करना है। अब वो बॉडी से एलिमिनेट हम किस तरह से करेंगे? एक्सक्रीशन के ज़रिए, क्योंकि अब हम उस चीज़ को, अपने वेस्ट को अपनी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। अब वो जितनी देर तक हम उसे स्टोर करेंगे
वो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह होता जाएगा, तो वो हमारे लिए इक्विलिब्रियम की हालत में नहीं रहेंगे। क्या होगा कि हमारी इक्विलिब्रियम कहते हैं मतवाजन हालत, बिल्कुल बराबरी की हालत में हम क्या करेंगे कि इंटेक करते रहेंगे और वेस्ट को भी वहीं पर स्टोर करते रहेंगे, तो जो अंदर आने वाली जगह जो होगी वो कम होती जाएगी और वेस्ट बढ़ता जाएगा। तो क्या ये बिल्कुल बराबरी की हालत होगी? नहीं। तो हमें वो जो वेस्ट मटीरियल है उसे बाहर निकालना है अपनी बॉडी से, और उस वेस्ट मटीरियल को अपनी बॉडी से बाहर निकालने को हम किसका नाम देते हैं? एक्सक्रीशन में। ये आपके आज के क्वेश्चंस थे और इसके मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आज का हमने टॉपिक स्टार्ट किया था होमोस्टेसिस का। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी कि होमोस्टेसिस होती क्या है। हमारी बॉडी की मेंटेनेंस, बेसिकली हमारे जिस्म के अंदर को अगर हम जब मेंटेन करते हैं तो उसे हम कह देते हैं होमोस्टेसिस। अपनी हालत को बराबरी पर लेकर आना, बाहर के हिसाब से और अंदर के हिसाब से बराबरी पर लेकर आना, उसे हम कहते हैं होमोस्टेसिस। होमोस्टेसिस की तीन प्रोसेस थे, ऑस्मोरेगुलेशन वो था जिसमें हम पानी को और साल्ट को हम बराबर रखते हैं और मेंटेन रखते हैं। उसके बाद थर्मोरेगुलेशन वो था जिसमें हम टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। और एक्सक्रीशन वो था जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देते हैं अपनी बॉडी से। उससे भी क्या होता है कि एंटर होने वाला प्रोडक्ट और वेस्ट प्रोडक्ट, उनके ही जो मतवाजन इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम है वो बराबर रहती है। तो ये आपका होमोस्टेसिस था। अब आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। अपने अगर आपको इसमें से किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो या इसमें से किसके अलावा किसी और क्वेश्चन आपने पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।